कल गूगल ने मेरा जो गूगल अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया। एंड देन उसके बाद में मैंने देखा तो मैंने फिर मेल किया, ट्विटर पे ट्वीट किया, बहुत सारे कोई रिप्लाई नहीं आया। बड़ी मुश्किल से रिप्लाई आया। एंड देन जब रिप्लाई आया तो रिप्लाई यह आया कि आपकी रिक्वेस्ट जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी है। अब उन्होंने जब डिसेबल किया था तो वहाँ पर जब भी मैं लॉगिन कर रहा था मेरा अकाउंट, तो वहाँ पर रीजन बताया जा रहा है कि चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूज्ड कंटेंट में इन्वॉल्व है आपका अकाउंट। तो ऐसे कुछ भी एक्टिविटीज में मेरा अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। मेरे अकाउंट से 3 यूट्यूब चैनल लिंक थे, जहाँ पर एक चैनल पे मैं रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोस बनाता था, और एक चैनल पे मैं गेमिंग पर वीडियो बनाता हूँ, और एक चैनल पे मेरे डार्क वेब के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो जो मेरा डार्क वेब वाला चैनल है जिसका नाम सचिन ठाकुर था, उसको टर्मिनेट कर दिया। एंड वो मेरा ब्रांड अकाउंट था, उसी से लिंक था, तो डेट्स वाई आई थिंक उन्होंने मेरा गूगल अकाउंट भी डिसेबल कर दिया। एंड मैंने अपील किया तो अपील रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि आपका यूट्यूब चैनल वापस नहीं मिलेगा। एंड उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया। ओके, बट मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों किया। क्योंकि मैंने डार्क वेब के ऊपर वीडियोस बनाए, मुझे पता है मैं डार्क वेब के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, सारे के सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, ऐसा नहीं जहाँ पर मैंने किसी को चाइल्ड एब्यूज या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखा दी। हालांकि डार्क वेब पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिलती है, वहां पर मिलती है कुछ हद तक। मैं गया वहां पर विजिट करा, तो जो भी ऐसा सेंसिटिव कंटेंट था सबको ब्लर किया मैंने। एंड डिस्क्लेमर में भी मैंने, मतलब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर दिया था, वीडियो में भी डिस्क्लेमर दिया कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड ऐसा भी नहीं कि मेरे वीडियो किड्स के लिए बनाए थे, मेरे बच्चों के लिए बनाया था, वो वीडियो बड़े लोगों के लिए था जो भी ओवर 18 है। एंड मैं डिस्क्लेमर भी देता था, अब ये लोगों के ऊपर है, बच्चों के ऊपर, जिन्होंने भी देखना है उनकी पसंद है। बाकी मेरी तरफ से मैंने तो सारी पॉलिसीज का ध्यान रखा, सारे रूल्स को फॉलो किया, लेकिन फिर भी गूगल ने मेरा जो अकाउंट है वो रिमूव कर दिया, चैनल रिमूव कर दिया। ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने रिमूव किया तो मुझे ये बताइए कि चाइल्ड सेफ्टी के कारण, पॉलिसी के कारण कुछ रिमूव किया उन्होंने, तो कौन सा वीडियो है जो आपकी चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी को वॉयलेट करता है, उस वीडियो को आप रिमूव कर दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो आप पूरे चैनल को रिमूव कर दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापिस मत दो उसे, बट उससे लिंक, उस Gmail ID गूगल अकाउंट से लिंक मेरे अदर 2 चैनल है, मुझे मेरा गूगल अकाउंट वापिस दे दो। कैसे भी गूगल अकाउंट से लिंक मेरा अदर 2 चैनल है, वो मुझे ऑपरेट करने दो। मेरे अभी घर की हालत ऐसी चल रही है कि मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, मैं अभी कोई करेंटली जॉब नहीं कर रहा हूँ। मेरा टोटल उम्मीद, मेरे सब कुछ उसी पे थे, उस चैनल पे, राहुल ठाकुर वाला चैनल था जिस पर मैं से रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बना रहा था। एंड उसका जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, वो क्राइटेरिया फुलफिल होने वाला था। मतलब मैं हाल ही में, मेरे को स्ट्राइक आई थी, तो 90 दिन तक मैं कुछ भी, मतलब अप्लाई नहीं कर सकता था, बट 90 दिन बाद मैं अप्लाई करता, मोनेटाइजेशन पार्टनर प्रोग्राम में ऐड होता एंड मेरी अर्निंग चालू हो जाती, कुछ पैसे आते। मेरी उम्मीद थी उस पर, मैंने इतना सालों से मेहनत किया उस पर, एंड एकदम से सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, यूट्यूब ने एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं किया कि कौन सा वीडियो है जिसने आपकी चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी को वॉयलेट किया है, किस वीडियो के कारण दिक्कत आई। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे जो डार्क वेब के वीडियोस हैं सारी के सारी प्रॉब्लम है, उन्होंने चैनल ही उड़ा दिया, चैनल क्या, गूगल अकाउंट ही डिसेबल कर दिया, ये कौन सी बात हुई। तो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए।